अभी हम लोग देखेंगे 2 BHK का एक बेहतरीन फ्लैट जो 65 गज में बना हुआ है, कार पार्किंग एंड लिफ्ट के साथ, और इसका जो हम लोग ने प्राइस रखा है सिर्फ 24,50,000 रुपये। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। जिस फ्लैट में हम लोग खड़े हैं, इसकी जो लोकेशन है वो मोहन गार्डन द्वारका मोड़ न्यू दिल्ली है, उत्तम नगर में इसकी लोकेशन आती है, एक शानदार प्राइस के साथ। अगेन हम लोग 24,50,000 में आप लोग के लिए लेके आए हैं फ्लैट, जिसके साथ कार पार्किंग है और इस बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है। जैसे हमारे सारे फ्लैट होते हैं, इस पे आप 80% से 85% तक लोन ले सकते हैं, और जैसा हमारा सारा फ्लैट होता है, ये भी फ्लैट हमारे रजिस्ट्री वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन, फिर देखेंगे पार्किंग, और उसके बाद हम लोग आएंगे अपने फ्लैट के अंदर। ये हमारे फ्लैट की एंट्री है। एक फ्लोर पे हम लोग ने 3 फ्लैट बनाया है, 2 आपको 2 BHK मिलते हैं और 1 3 BHK मिलता है। 3 BHK की जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। यहाँ हम लोग ने लिफ्ट लगाया है और ये आपको स्टेयर्स यहाँ पे मिलता है। फ्लैट में जब हम एंट्री लेते हैं तो ये आपको किचन मिल जाता है, हालांकि किचन कवर्ड आप कर सकते हैं, ऊपर कर्टन लग जाएगा, ये किचन आपका कवर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है, एक फर्स्ट बेडरूम यहाँ दिया गया है, इसके साथ आपको टीवी पैनल और वार्डरोब दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ सेकेंड बेडरूम मिलता है, इसके साथ भी वार्डरोब मिलता है, टीवी पैनल मिलता है, और बालकनी की जो एंट्री है इसी बेडरूम से आपको मिलेगी, और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ मिल जाता है। हम लोग अभी अपने ड्राइंग रूम में खड़े हैं। आप देखिए काफ़ी स्पेसियस जो इसमें फ्लोरिंग की गई है वो विट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग है, बहुत ही सुंदर और स्पेसियस इस बजट का फ्लैट 24.5 लाख में, 24,50,000 का ये फ्लैट है जो 65 गज में बना हुआ है लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ। ये पूरा स्पेस आपको मिल जाता है आपके ड्राइंग के लिए। आप यहाँ से एल टाइप में सोफा रख सकते हैं, बीच में आपका कॉफी टेबल आ जाएगा, और बहुत खुला खुला दिखाएगा ये फ्लैट आपको, बहुत ओपननेस फील होगी। इस तरह का इसमें डिसेंट वॉलपेपर दिया गया है एल टाइप में, हालांकि यहाँ पे एल टाइप में दीवार बन रही है तो एल टाइप में पूरे वॉलपेपर लगा दिए गए हैं। यहाँ स्प्लिट एसी के लिए ऑप्शन दी गई है, और ऊपर आपको इस तरह की एक डिसेंट वार्म लाइट लगाकर जो फॉल सीलिंग बनाई गई है। आपका जो ड्राइंग रूम है वो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए इस तरह के डिजाइन बनाए गए हैं, एक जो मिरर वाली फील है वो आएगी आपको। ये पूरा डिजाइन बनाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा आपके ड्राइंग रूम को और आपके किचन को। ये सारे जो स्लॉट्स यहाँ बनाए गए हैं, आप इसमें कुछ भी डेकोरेटेड आइटम रखेंगे और आपकी सीटिंग इस तरफ है या आपके गेस्ट आते हैं तो बहुत ही गुड फीलिंग आएगी, एक पॉजिटिव वाइब्स जो निकल कर आती है वो आएगी। और वहाँ अगर आपकी सेटिंग है तो इस तरफ एक बड़ा सा ड्राइंग रूम में एक टीवी पैनल दिया गया, आप देखिए काफ़ी बड़ा है। इधर स्पेस आपको मिल जाता है, यहाँ भी कुछ आप डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको स्पेस मिल जाता है। 3 स्लॉट्स यहाँ जो बॉक्सेस हैं स्मॉल वो बना के दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ कैबिनेट्स मिल जा रहे हैं आपको, यहाँ भी आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं, और यहाँ भी आपको कैबिनेट्स मिल जा रहा है, 3 कैबिनेट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा किचन की। हालांकि नो डाउट आप लोग में से बड़े सारे लोग का कमेंट्स आएगा कि जैसे ही हम एंट्री ले रहे हैं तो किचन है, बट किचन को आप चाहें तो कवर भी कर सकते हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया, यहाँ पे अगर एक कर्टन लग जाएगा तो ये कवर हो जाएगा, फिर आपकी ये पूरा अलग से आपकी एंट्री दिख जाएगी।
मॉड्यूलर किचन बनाया गया है, यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है वो लगा के दे रहे हैं और ये सारे बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं, ये सारा स्पेस आपको मिल रहा है, यहाँ भी स्पेस आपको मिल जाता है, और यहाँ सिंक दी गई है, टैप मिल जाता है आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए, और यहाँ आप चाहें तो आरओ या गीजर कुछ भी लगा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पॉइंट दिया गया है। नीचे भी आपको ये स्पेस मिलता है, यहाँ आप अपना खाली सिलेंडर रख सकते हैं, ये कॉर्नर मिलता है, इसमें आपका जो बड़ा कंटेनर हम लोग यूज़ करते हैं वो आ जाएगा, और आप चाहें तो जो हमारा भरा हुआ सिलेंडर रहता है उसको आप यहाँ रख देंगे, पाइप यहाँ से आ जाएगी, यहाँ आपका चूल्हा रहेगा। उसके बाद कटलरी वेयर के लिए ये स्पेस आपको मिल जाता है, यहाँ भी कैबिनेट आपको मिल जाते हैं, कुछ आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। प्लेट के लिए यहाँ स्लॉट्स बना के दिए गए हैं और आपको यहाँ भी स्पेस मिल जाता है, तो इसमें भी आपको जगह की कमी बिल्कुल नहीं खलने वाली। एक स्मॉल फैमिली के लिए 65 गज का फ्लैट काफ़ी स्पेसियस, और हालांकि ड्राइंग रूम के साथ ये अटैच है तो किचन भी बहुत ओपन दिख रहा है। तो मॉड्यूलर किचन इलेक्ट्रॉनिक चिमनी के साथ, इसके साथ जो ड्राइंग है हमारा, मैं कॉमन वॉशरूम दिखा दे रहा हूँ, कॉमन वॉशरूम ये हमारा है, बट इसके सामने इस तरह से ग्रास लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल ग्रास जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच है, तो बहुत बेहतरीन लुक दे रहा है। एक बार आशीष दिखाइए, जिसमें फ्लोरिंग दी गई है वो एंटी स्किड टाइल्स की फ्लोरिंग है, आपका जो पैर है वो फिसलेगा नहीं, और वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ स्पेस मिलता है, गीजर के पॉइंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, शावर यहाँ दिया गया है, और फुल वॉल टाइल्स इसमें यूज की गई है, बीच में ये वाला जो देख रहे हैं आप या यहाँ जो एक अलग पट्टी देख रहे हैं ये हाइलाइटर यूज किए गए हैं, सीट यहाँ लगा दिया गया है, ये आपके जल बोर्ड के लिए जो पानी आता है उसके लिए टैप है, हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए यहाँ आपको अलग स्पेस मिल जाता है और टैप मिल जाते हैं, वॉश बेसिन यहाँ दिए गए हैं, तो स्क्वायर में ये आपको जो वॉशरूम है वो मिलता है। अब देखते हैं अपना फर्स्ट बेडरूम, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, यहाँ अभी अगर मैं दिखाऊं तो ये इस वॉल में ये वॉलपेपर यूज किया गया है, ऊपर आपको इस तरह से डिजाइन मिल जाता है फॉल सीलिंग की, उसके बाद यहाँ आपको वार्डरोब मिल जाता है, यहाँ वार्डरोब बना के दिए गए हैं, इसमें हालांकि अभी इसी बिल्डिंग से रिलेटेड जो स्टफ है वो रखा गया है, इस तरह भी आपको स्पेस मिलता है। यहाँ टीवी पैनल दिए गए हैं, यहाँ भी स्मॉल दो कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ और यहाँ, यहाँ आपका टीवी आ जाएगा, ऊपर अगेन आप कुछ सजाने के लिए रख सकते हैं। और यहाँ से चलेंगे हम लोग, देखेंगे अपना सेकेंड बेडरूम जिसके साथ हमारी बैल्कनी है, ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, ये जो बीच में आप स्पेस देख रहे हैं 6x6 बेड के लिए स्पेस छोड़ा गया है, और दोनों तरफ आपको यहाँ भी वार्डरोब मिल जा रहा है और आपको यहाँ भी वार्डरोब मिलता है। इसकी अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो इस तरह के स्टोरेज आपको मिलते हैं, नीचे भी आपको दो ड्रॉअर मिलता है, सेम इस तरफ भी आपको मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो दी गई है, ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन है, आप यहाँ लगा सकते हैं। एसी से याद आया, अभी जो मैं फर्स्ट बेडरूम दिखाया हूँ उसमें भी स्प्लिट एसी का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हमारी बैल्कनी है, बट बैल्कनी दिखाने से पहले मैं जो पैनल दिया हूँ टीवी पैनल वो दिखाता हूँ। अगेन इस बेडरूम में भी आपको टीवी पैनल मिल जाते हैं, तो तीन टीवी पैनल दिया गया है, एक ड्राइंग रूम में और दोनों बेडरूम में, ये पूरा आपको टीवी पैनल मिलता है, यहाँ आप अपना टीवी लगाइए और यहाँ आपको अगेन एक कैबिनेट्स मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना बैल्कनी, और बैल्कनी अभी देखेंगे हम लोग, उसके पहले इसके साथ जो हमने वॉशरूम दिया है वो दिखाते हैं आपको, ये आपको वॉशरूम मिलता है, एक बार दिखाइए आशीष। और इसी के साथ आपको बैल्कनी मिल जाती है,
बालकनी में टफन ग्लास यूज किए गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, टफन ग्लास आपको यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल अगर इस फ्लैट की बात करूँ तो 2 BHK का फ्लैट पैसिफिक में बना हुआ, कार पार्किंग और लिफ्ट के साथ 24,50,000 रुपये में ये आपको फ्लैट मिल जाता है, जिसकी लोकेशन मोहन गार्डन द्वारका मोड़ न्यू दिल्ली है। एक अच्छे लोकेशन के साथ मेट्रो की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से मेट्रो स्टेशन मिल जाता है आपको। रजिस्ट्री वाले फ्लैट है, 80% से 85% तक आप इस फ्लैट पे लोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी आप देखने आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए। जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो आपको फ्लैट दिखाएंगे, हमारे कॉल सेंटर में आप फ़ोन करें, अपने हिसाब से विजिट करने के लिए आप टाइम दें, जो एग्जीक्यूटिव हैं अगेन वो आपको फ्लैट दिखाएंगे। इन केस कुछ और भी जानना चाहते हैं, कुछ और भी आपके मन में कोई डाउट्स है, तो जो हमारी वेबसाइट है, एक इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट हम लोग ने बनाई है, sanvistry.com, आप वहाँ जा सकते हैं। और उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सारे हमारे सोशल साइट्स हैं, वहाँ पे आपको सानवी स्टेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में, नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप ही सानवी स्टेट हैं और आप ही से सानवी स्टेट है। थैंक यू सो मच।